में ओजोन लेयर कितने से कितने किलोमीटर तक पाई जाती है? 30 to 50, 20 to 30, 40 to 50. ऑप्शन दे दिया 20 से 30 के बीच में। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोलों की ओर जाएंगे, जलवाष्प या वाटर वेपर घटेगा और बढ़ेगा? कमी होगा। टेम्परेचर कम होगा और बढ़ेगा? कम होगा। रीजन क्या होगा? क्योंकि सूर्य की स्लैंटरी और तिरछी पड़ेंगी। डायरेक्ट कहाँ पर पड़ती है? इक्वेटर। पूरे एटमॉस्फेयर का गर्म और ठंडा होना किन किन प्रोसेस पर डिपेंड करता है? और एडवेक्शन। एडवेक्शन में जो हम लोग हीट लेते हैं वो किस ओर से किस ओर जाता है? लो से लेकर हाई तक। मानसून हाई से लो की ओर चलता है, लो से हाई की प्रेशर की ओर चलता है। मैंने आपको बताया था हाई टू लो प्रेशर की ओर मानसून हमेशा मूव करेगा। क्लियर? अर्थ के इंटीरियर पार्ट को अगर अंदर में लगाओगे तो कौन कौन सा पार्ट लगाओगे? सियाल सीमा नीचे। सियाल को किस नाम से जानते हो? लिथोस्फीयर। उसके अंदर में सीमा। सीमा क्या क्या चीज से बनी है? सिलिका प्लस मैग्नेशिया। माउंटेन्स किस कंडीशन में बनेगा? सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी। रेडियो किस कंडीशन में बनेगा? सिलिका की मात्रा कम होगी। कम होगा। लावा जो है वो आपका बेसिक यानी छारी। सिलिका कम और सिलिका ज्यादा।